इस वक्त मैं हूँ KGM मेडिकल कॉलेज लखनऊ में और ये एक वैक्सीनेशन सेंटर है। आप देख रहे हैं ये सब 18 प्लस का सेक्शन बनाए हुए हैं मेडिकल कॉलेज में अब्दुल कलाम, और यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ लोग आ रहे हैं जिन्होंने अपने घर पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसके बाद यहाँ टोकन लेकर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए, वो यहाँ सब आप देख सकते हैं खड़े हुए। और ये वैक्सीनेशन पॉइंट है जहाँ टीकाकरण होता है। और ये कितने टीकाकरण हो रहे हैं यहाँ टोकन वाले? मतलब पर डे जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो 300 लोगों की पर डे इस कैंपस में। टोटल कितने कैंपस बनेंगे 18 प्लस के यहाँ? यहाँ पे दो दो कैंपस, दो काउंटर है। 150 इधर यहाँ है, 150 उस काउंटर दो ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन हॉल कौन सा बनाया हुआ? 408 में वहाँ ऑब्जर्वेशन हॉल करा। ये आपने देखा कि यहाँ पर डे डेली जो प्रतिक्रिया है वो 300 लोगों की है, और 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन जब घर पे हो जाता है तब वो यहाँ टीकाकरण कराने के लिए आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वैक्सीनेशन हॉल जो बनाया हुआ है वहाँ, यहाँ से टीका लेने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहते हैं और अपने बॉडी की जो प्रतिक्रिया है उसको जानते हैं कि उसका कोई इफेक्ट और साइड इफेक्ट तो नहीं है। आप बीती जग बीती से विशेष संवाददाता मुकेश गुप्ता लिए थे। इस वक्त मैं हूँ KGMU लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जहाँ ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस समय 45 साल से ऊपर की एज के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन सेकंड और फर्स्ट डोज लगाई जा रही है। उसका प्रकरण जो है वो स्टार्ट है मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं सब वैक्सीनेशन के ही पॉइंट हैं। यहाँ ये सब वैक्सीनेशन के और ये सब बनाए हुए हैं स्टोर्स। मैडम यहाँ पर डे कितना वैक्सीनेशन हो रहा है? यहाँ पे नियर अबाउट 300 पीपल आर देयर। 300 प्लस चल रहा है, ये 300 का टारगेट है। अच्छा पर डे उसमें एज फैक्टर क्या लिया है आपने, ये कौन से सेक्शन का है? मैडम रजिस्ट्रेशन के कितने समय के बाद यहाँ अप्लाई होता है? रजिस्ट्रेशन जब वो करते हैं दो भी वैक्सीनेशन करवाना, उसके बाद आपको स्लॉट्स मिलते हैं जी। स्लॉट्स पे वो आते हैं, देन हम यहाँ पे फिर से उनको एक टोकन मिलता है जिसके थ्रू वैक्सीनेशन। तो ये मैडम ने बताया कि पहले रजिस्ट्रेशन एक जिसको वैक्सीनेशन कराना है उसको कराना पड़ता है, फिर यहाँ आके एक टोकन मिलता है, उसके बाद ही यहाँ वैक्सीनेशन की प्रतिक्रिया चालू होती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन हॉल है। वैक्सीनेशन कराने के बाद यहाँ आधा घंटा रेस्ट के लिए जो लोग आते हैं उनको बैठाला जाता है, उनकी बॉडी की क्रिया और प्रतिक्रिया देखी जाती है, कोई इफेक्ट और साइड इफेक्ट तो नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन हॉल में मैं आपको दिखा रहा हूँ लोग बैठे। ये ऑब्जर्वेशन हॉल है, लगेगा ये फर्स्ट आफ की डोज है या सेकंड डोज है? सेकंड डोज। सेकंड फर्स्ट डोज आपने कितने समय पहले लिया? अब वो 31 मार्च को लगा था, दूसरी आज लग रही है। ये आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन हॉल है जहाँ लोग रेस्ट भी कर रहे हैं टीका लगवाने के बाद, और अपनी सेकंड डोज का जो है वो वेट भी कर रहे हैं। आप बीती जग बीती से विशेष संवाददाता मुकेश गुप्ता की एक रिपोर्ट। नहीं समझाइए, ये जो बैठे हैं इनको समझाइए बात। रजिस्ट्रेशन कराना है?
लग रहा है।